जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे मोबाइल सिक्योरिटी। ओके, सो मोबाइल सिक्योरिटी में, मोबाइल सिक्योरिटी मीन्स एप्लीकेशंस का डेवलपमेंट स्टेज में ठीक है हम किस किस गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं और मेथडोलॉजी को फॉलो करते हैं। ओके, हम जब भी एप्लीकेशन डेवलप करते हैं पर्टिकुलर कुछ गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग डेवलप करते हैं और कुछ मेथडोलॉजी को भी हम लोग फॉलो करते हैं कि एप्लीकेशन सिक्योर हो, और कुछ पॉइंट्स होता है जिसको हम लोग अवॉइड करने के लिए कोशिश करते हैं। तो उस तरह का गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं एक ऑनलाइन कम्युनिटी है, उसका नाम है OSAP, ओके, ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। ओके, ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, ये और ये कम्युनिटी क्या करती है, सेवरल रिसोर्सेस इनके पास है। ये लोग गाइडलाइंस और मेथडोलॉजी के ऊपर काम करते हैं और इम्प्रूव करते हैं डे बाय डे कि एप्लीकेशन किस तरह का सिक्योर कर सके, और जो डाटा लीकेज के हम बच सके। देयर मेन फोकस इज इन हेल्पिंग डेवलपर्स, सिक्योरिटी टीम्स एंड ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंडिंग कॉमन सिक्योरिटी रिस्क, हाउ टू मिटिगेट देम। ओके, ये है एक्चुअली उनका मोटो है, मीन्स डेवलपर को हेल्प करते हैं किस लिए, गाइडलाइंस बिल्ड करने के लिए, जिस गाइडलाइंस को हम लोग फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशंस डेवलपमेंट में हमें हेल्प करता है, एक बेटर एप्लीकेशंस डेवलप करने हमें हेल्प करता है। तो ये जो गाइडलाइन है तो इसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, ठीक है, हमें उस पैरामीटर्स या फिर उसको हमें फॉलो अप करना पड़ता है कि इस पॉइंट को ध्यान पर रखना चाहिए, डाटाबेस क्रिएट करते समय ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए, क्लासेस डिजाइन करते वक्त ये ध्यान में रखना चाहिए, हमें हर चीज़ पर हमें एक प्रॉपर मॉनिटर करना पड़ता है। द ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी OSP इज एन ऑनलाइन कम्युनिटी दैट प्रोड्यूसेस फ्रीली अवेलेबल आर्टिकल्स, मेथोडोलॉजी, डॉक्यूमेंट्स, टूल्स एंड, जैसे हमने बोला, ये और किस पे काम करते हैं, सॉफ्टवेयर एश्योरेंस मैच्योरिटी मॉडल, डेवलपमेंट गाइड, कोड रिव्यू गाइड, ASP सिक्योरिटी गाइड एंड, इसमें ये मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम करते रहते हैं, मीन्स किस तरह से एप्लीकेशन को और सिक्योर करना। मैं सिर्फ एक एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में ये नहीं हो, ये मीन्स वेब एप्लीकेशंस जिस तरह का आप एप्लीकेशन डेवलप करते हैं उसके ऊपर, सिंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मोबाइल एप्लीकेशंस, हम लोग उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंसिडर कर रहे हैं। अदरवाइज इसका इनका मोटो है सब डेवलपर को गाइड करते हैं डेवलपमेंट के लिए, कोड रिव्यू फॉर टीम मेंबर्स और टीम मैनेजर्स और टीम लीड के लिए, फॉर सिक्योरिटी रीजन्स के लिए API सिक्योरिटी जो बिल्ड करते हैं बैक एंड टीम्स हैं ठीक है उनके लिए, और फॉर QC टीम इट्स टेस्टिंग गाइड। ओके, क्या क्या सिक्योरिटी रिस्क होता है, इम्प्रॉपर प्लेटफॉर्म यूज, मिस यूज, इनसिक्योर डाटा स्टोरेज, हम लोग बहुत बार क्या करते हैं सेंसिटिव डाटा को, कुछ भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को लोकली डाल देते हैं विदाउट इनक्रिप्टिंग दैट डाटा। ओके, ये एक इनसिक्योर प्रॉब्लम। इनसिक्योर कम्युनिकेशन, हम लोग जो डाटा ट्रांसमिट होता है उसको प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर, प्रॉपर वे में कम्युनिकेट कर नहीं करते हैं, प्रॉपर चैनल से कम्युनिकेट नहीं करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं डाटा को हमेशा एनक्रिप्ट होना चाहिए, ओके, और सिक्योर चैनल के थ्रू भेजना चाहिए। ओके, ये सब फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। इनसिक्योर ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग रखो। ओके, वीकनेस इज ऑथेंटिकेशन प्रोसेस दैट अलाउ अटैकर्स टू इम्पोज यूजर्स, और पासवर्ड किसी के साथ शेयर मत करो।
इनसफिशेंट क्रिप्टोग्राफी, जैसे मैंने बोला डाटा आप किस तरह से लिख रहे हो, आप उनको एक प्रॉपर वे में मैनेज करो, एल्गोरिथम यूज़ करो और क्रिप्टोग्राफी का एल्गोरिथम, ओके मीन्स उसको डाटा को एनक्रिप्ट करो, डाटा बेस के अंदर डाटा सेंड करने के लिए उसको एनक्रिप्ट कर दो ताकि वो मिसयूज ना हो पाए। इनसिक्योर ऑथराइजेशन मीन्स इनसिक्योर ऑथराइजेशन मीन्स आपने किसको क्या रोल मैनेज किया है, दिया है उस चीज़ को आप फॉलोअप कर रहे हो, नहीं आपने मैनेजर को दिया है रीड और राइट का, ठीक है, और सुपर एडमिन को दिया है रीड राइट और ओवरराइट का, ठीक है, लेकिन मैनेजर ही अगर इस चीज़ को एक्सेस कर रहे हैं आप उसको मॉनिटर नहीं करोगे तो गलती किसकी, ठीक है। तो ये एक होता है इम्प्रॉपर ऑथराइजेशन का, मीन्स आपने उसको अलाउ तो किया इस चीज़ के लिए लेकिन वो मिस यूज करा इसको, ठीक है, आपने परमिशन दे दिया लेकिन उस चीज़ को एक बार मॉनिटर भी, मॉनिटरिंग भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, इसलिए इनसिक्योर ऑथराइजेशन। क्लाइंट कोड क्वालिटी, ये सबसे बड़ा हमेशा जो भी बिगिनर हो, आपने मॉडरेटरी या फिर एक्सपर्ट लेवल पे हो, ये हर किसी के साथ एक बार होता ही होता है, ओके, क्योंकि हम लोग जब भी स्ट्रिंग जब भी हम लोग डिफाइन करते हैं एक्स स्ट्रिंग वाई स्ट्रिंग ए बी सी इंटीजर पी क्यू आर इस तरह का नेमिंग कन्वेंशन दे देते हैं जो कि गलत है। प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन फॉलो कीजिए उस टाइम पे, ओके। क्लाइंट कोड क्वालिटी, और दूसरी बात है जो आप क्लास डिफाइन कर रहे हो, मेथड्स डिफाइन कर रहे हो, उसकी भी ध्यान दीजिए। ये जो बेस्ट कोड प्रैक्टिस है हम इसको और एक बार भी रिव्यू करेंगे, इसके बाद और एक वीडियो में लेके आऊँगा। कोड टेम्परिंग, एन ऐप दैट कैन बी टेम्पर्ड विथ द अल्टर बाय हैकर्स, मीन्स इस तरह का जो वीक कोड लिखते हैं, जो आप कहते हैं ना सिंगल क्लास के अंदर आपने सारा फंक्शनलिटी डाल दिया, कोई भी हैकर आके चेक किया गया सब कुछ तो सारा इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा, उसको अल्टर करके डाटा को ब्रीच कर लेगा। इसलिए क्लास को अगर अलग कर सकते तो बेटर है, मॉडल वाइज ब्रेकअप करें तो और बेटर होगा, ठीक है। डाटाबेस का कनेक्शन, डाटाबेस का जो लॉजिक है वो अलग रखिए, बिजनेस लॉजिक को अलग रखिए, ओके। और क्लास को जितना हो सकता है इनहेरिट कीजिए बेस क्लास के साथ से, ओके। रिवर्स इंजीनियरिंग एंड एक्सट्रेनियस फंक्शनलिटी, हम लोग अननेसेसरी कुछ कभी कभी क्या करते हैं, जो फंक्शन यूज नहीं होता है उसको भी हम लोग उसको ओवर इंजीनियरिंग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये स्पेसिफिक मोबाइल ऐप्स, ठीक है, अब क्या है सिक्योरिटी कंसर्न्स फॉर डेवलपर्स, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल्स, जो हमने बोला था ना ऑथराइजेशन का वही है, ठीक है। प्रॉपर रेस्ट्रिक्शंस ऑन व्हाट ऑथेंटिकेटेड यूजर्स आर अलाउड टू डू, क्रिप्टोग्राफी फेल्योर, एसक्यूएल इंजेक्शंस, ठीक है, एसक्यूएल इंजेक्शन तो कभी भी अलाउ नहीं होना चाहिए हर लेवल पर, उसको क्लाइंट लेवल पे या फिर टर्मिनल एंड लेवल पर उसको चेक करना चाहिए। टर्मिनल मीन्स मोबाइल हो या फिर वेब हो या फिर डेस्कटॉप हो, ठीक है, आपको इसी लेवल पे चेक कर दो। इनसिक्योर डिजाइन, लैक ऑफ सिक्योर डिजाइन प्रिंसिपल इन द डेवलपमेंट फेजेस, मीन्स जब भी आप एप्लीकेशन को डिजाइन करो ना एक प्रॉपर वे में, बोला ना क्लास को, ये क्लास ये अपना आप उसको ब्रेकअप कर दो मॉड्यूल वाइज में, ठीक है, हर एक मॉड्यूल इजीली आपको यूज कर, एक बेस क्लास बना दीजिए, बेस क्लास को इनहेरिट कीजिए, ठीक है, और कोई भी अगर इसको एक्सेस करेगा तो सिर्फ इसको ये इसका इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ओके। सिक्योरिटी मिसकन्फिगरेशन, इनप्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन इनसिक्योर डिफॉल्ट सेटिंग्स, ये है सबसे बड़ा, हम लोग जो इनिशियली जो बिगिनर लेवल पे सबसे बड़ा गलती करते हैं क्योंकि हम सब कुछ डिफॉल्ट सेटिंग में डाल देते हैं, ठीक है, सब कुछ डाटाबेस का कनेक्शन डिफॉल्ट, एपीआई का इन्फॉर्मेशन डिफॉल्ट में डाल देते हैं,
outdated components using with known vulnerability. Okay, इस चीज़ को तो आपको हमेशा अपडेटेड होना चाहिए जो outdated components के साथ. अगर ये अपडेटेड हो गया उसको उसका रिप्लेसमेंट लाके उसको रिप्लेस कीजिए, क्योंकि जो रिप्लेसमेंट आएगा उस मोर सिक्योर होगा. आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन फेल्योर्स, ये क्या होता है? वीकनेस इन लॉगिन एंड सेशन मैनेजमेंट में. ओके, सॉफ्टवेयर एंड डाटा इंटीग्रिटी फेल्योर्स, सिक्योरिटी लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग. ये एक है सिक्योरिटी लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग फेल्योर्स. ये जो है ना, आपका जब भी डाटा एरर आ रहा है, आप हर जो डाटा लॉग कर रहे हो या फिर आप लॉग फाइल जहाँ मेंटेन कर रहे हो उस लॉग फाइल को टाइम टू टाइम उसको मॉनिटर करते रहिए कि क्या रीड आ रहा है, क्या एरर आ रहा है. ठीक है, क्योंकि ये आपको नोटिफाई करता रहता है टाइम टाइम. अगर कोई हैकर आ रहा है कि अनऑथराइज फाइल को एक्सेस कर रहा है, ओबियसली एरर थ्रू करेगा. आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा कि आपके सिस्टम पे चल क्या रहा है. ओके, कोडिंग प्रैक्टिसेस क्या है? बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिस क्या है? मैं अगर मैं बोलूँ, इनपुट वैलिडेशन हमेशा करो. ठीक है, ऑथेंटिकेशन और सेशन मैनेजमेंट प्रॉपरली करो, एक्सेस कंट्रोल इम्प्लीमेंट करो, प्लस उसको मॉनिटर भी करो. ओके, मॉनिटरिंग करो. ऑथेंटिकेशन हमेशा उसको स्ट्रांग देना चाहिए. ओके, स्ट्रांग एरर हैंडलिंग एंड लॉगिंग, जैसे मैंने बोला, क्योंकि अगर कोई हैकर आपका वेबसाइट हैक कर रहा है तो ऑब्वियसली कहीं पर एरर लॉगिंग हो रहा होगा. तो उस एरर लॉगिंग को आप मॉनिटर करो, एंश्योर कि डाटा कहीं पर लीकेज हो रहा है, कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक हो रहा है. ओके, डाटा प्रोटेक्शन में एंश्योर दैट सेंसिटिव डाटा इज प्रोटेक्टेड इन ट्रांजिट एंड रेस्ट थ्रू द एन्क्रिप्शन डाटा. ये तो मैं कितने बार बोल चुका हूँ, डाटा जब भी आप ट्रांसमिट करोगे उसको एनक्रिप्ट करके डाटा भेजो या फिर सिक्योर चैनल के थ्रू डाटा भेजो. ओके, HTTPS मैंने बोला था, और भी जो डाटा इनक्रिप्ट करो या फिर डाटाबेस को जो डाटाबेस का कनेक्टिविटी है उसको API के थ्रू उसको ट्रांसमिट करो. ओके, कम्युनिकेशन सिक्योरिटी इंप्लीमेंट TLS और SSL, सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन. ओके, इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसको एक बार देख लीजिएगा. कम्युनिकेशन सिक्योरिटी मैटर करता है आपका उस पूरा डाटा का सिक्योरिटी ऊपर, सिक्योर चैनल के ऊपर. ओके, क्योंकि आपने डाटा तो सिक्योर कर लिया, लेकिन उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका डाटा को सिक्योर करना. सिक्योरिटी रिस्क रिलेटेड टू APIs. अब APIs के अंदर क्या क्या सिक्योरिटी रिस्क होता है? ब्रोकन ऑब्जेक्ट लेवल ऑथेंटिकेशन, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, एक्सेसिव डाटा एक्सपोजर. ओके, एक्सेसिव डाटा एक्सपोजर, लैक ऑफ रिसोर्सेज, ब्रोकन फंक्शनलिटी ऑथराइजेशन, मास असाइनमेंट, सिक्योरिटी मिस कन्फिगरेशन, इंजेक्शन, इम्प्रॉपर असेसमेंट एंड इनसफिशिएंट लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग. जब भी आप API को डेवलप करो ना, ट्राई टू पुट एज मिनिमम एज पॉसिबल ऑफ योर इंफॉर्मेटिव मीन्स सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. ठीक है, अगर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपको चाहिए भी ना, वो लेयर वाइज में उसको फेच कीजिए. सिंगल इंस्टेंस में उसको फेच मत कीजिए. सिंगल इंस्टेंस मीन्स मैं अगर लॉगिन करूँगा, लॉगिन करके API कॉल किया. ओके, जैसे कॉल किया, आप मेरे को उस टाइम मेरे डाटा मत भेजिए. ठीक है, आप उस डाटा आप मेरा अकाउंट से रिलेटेड या फिर जो मेरे को रिक्वायरमेंट है कब भेजिए? जब मैं उस पेज को या फिर उस फीचर को या फिर उस फंक्शनलिटी को एक्सेस करूँगा, उसी फंक्शनलिटी रिलेटेड आप डाटा भेजिए. सपोज मैं एक्सेस किया कस्टमर से रिलेटेड. ठीक है,
मेरे को सिर्फ कस्टमर रिलेटेड एक्सेस इंफॉर्मेशन तब भेजिए जब मैं उस कस्टमर का डाटा को प्रोसेस करूँगा, ठीक है, तब जाके एक ये एक तरह का एक सिक्योर सिक्योर कम्युनिकेशन एक चैनल क्रिएट होता है। ये तो हमने वो बोल दिया इम्प्रॉपर प्लेटफॉर्म यूजर्स मिस यूज प्लेटफॉर्म फीचर सच एज इनसिक्योर यूजर्स ऑफ एंड्रॉइड इंटरनेट एंड आईओएस किचन्स। डाटा स्टोरेज हम लोग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन और मोस्टली कहाँ रखते हैं, डिवाइस के अंदर रख देते हैं विदाउट नोइंग दैट ये डिवाइस किसके हाथ में जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। उसको कोशिश कीजिए जितना पॉसिबल है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को इनक्रिप्ट करके स्टोर कीजिए, ओके, किसी भी हालत आप डाटा उसको इनसिक्योर कम्युनिकेशन वही जो कनेक्टिविटी इनसिक्योर ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन एंड इनसिक्योर क्रिप्टोग्राफी। ये तो हमने पहले ये कर चुके रिवर्स इंजीनियरिंग एक्सटर्नल फंक्शनलिटी, ओके। ये है कि मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी वेरिफिकेशन स्टैंडर्ड्स ऑथेंटिकेशन वेरीफाई यूजर आइडेंटिफाई एंड प्रोटेक्टिंग क्रेडेंशियल्स, ओके। ये प्रॉपर वे में आपको मॉनिटरिंग करना पड़ेगा या फिर जब भी आप चेक करो ना उसको सजेस्ट कीजिए स्ट्रॉन्ग क्रेडेंशियल प्रोवाइड करने के लिए। सेशन मैनेजमेंट इंश्योर सिक्योर एंड इफेक्टिव सेशन हैंडलिंग। इफेक्टिव सेशन हैंडलिंग मीन्स जब भी आप ओ अथ यूज करो या फिर सेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यूज करो ट्राई टू किल द सेशन एट द एंड ऑफ योर एप्लीकेशंस, ओके। अगर आपका एप्लीकेशंस यूज नहीं हो रहा है तो उस सेशन को आप किल कर दो या फिर टाइमर सेट कर दीजिए व्हेन योर एप्लीकेशन आइडल फॉर 5 मिनट्स, ओके, देन किल दैट सेशन। जैसे मोस्टली बैंकिंग एप्लीकेशंस करते हैं, अगर आप 5 मिनट या 10 मिनट तक आइडल रहोगे तो आपका सेशन लॉग आउट कर देगा, ओके, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस होते हैं। उसी तरह जितना भी आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो वो सब इसी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। अगर आपका वेबसाइट या फिर आपने लॉग इन करके 5 मिनट तक रख लिया साइट को दैट मीन्स यू आर आइडल। अगर आपने आइडल हो गया मीन्स साइट पे आपका कोई मूवमेंट है नहीं, तब सेशन को क्लिक कर दो, ओके। एक्सेस कंट्रोल मैंने बताया जो इम्प्लीमेंटिंग द सिक्योर मैकेनिज्म टू रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज मीन्स मेंबर को क्या है, एडमिन को क्या है, देन चेयरपर्सन को क्या है, एडिटर को क्या है, ओके, डेवलपर की क्या रोल है, ये सब आपको डिफाइन करना पड़ेगा। डाटा प्रोटेक्शन एरर हैंडलिंग मोबाइल ऐप सिक्योरिटी टेस्टिंग गाइडलाइंस स्टैटिक एंड डायनामिक एनालिसिस कोड रिव्यू टेक्निक्स, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। कोड रिव्यू हम लोग इसके बारे में और एक बार बात करेंगे, लेकिन अभी ये मान के चलिए कोड रिव्यू एक ऐसा है जहाँ पर कोड का क्वालिटी चेक करते हैं हम लोग, ओके। कोड का क्वालिटी कैसे चेक करते हैं, क्योंकि कभी कभी देखते हैं क्लास कैसे डिजाइन हुआ है, ओके, कहीं पर क्लास का मल्टीपल कॉल तो नहीं जा रहा है या फिर API बार बार कॉल तो नहीं हो रहा है, अननेसेसरी कॉल तो नहीं आ रहा सॉरी क्लास का मैपिंग कैसे हुआ है, ऑब्जेक्ट मैपिंग कैसे हुआ है, ओके, ये सब हम लोग चेक करते हैं। वेरिएबल कैसे नेमिंग हुआ है, ओके, वेरिएबल्स का नेमिंग हुआ है, कमेंट्स सही तरह से दिया गया है कि नहीं, ये सब पॉइंट्स को हम लोग कंसिडर करते हैं कोड रिव्यू में, ओके। रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोचेस, देखो मैंने बोला था ना जब भी आप एप्लीकेशन कंपाइल करोगे आपका एक एग्जीक्यूटिव फाइल या फिर DMG फाइल या फिर आपको APK फाइल IP फाइल मिलता है। हैकर्स क्या करते हैं, जो कोड ब्रेकर होते हैं वो क्या करते हैं, उसको डीकम्पाइल करते हैं। डीकम्पाइल करने के बाद उस बाइनरी फाइल में से उनको पता चल जाता है हेडर क्या क्या आया है, ओके, हेडर फाइल क्या क्या। अगर आप सिंपल एक आईपीए फाइल को राइट क्लिक करके शो कंटेंट्स कीजिएगा, ओके, तो आपको सारा हेडर फाइल दिख जाता है, ओके। आपका रोल ये है कि आपने हेडर फाइल में आपने क्लास तो डिफाइन किया है,
मेथड का नेम डिफाइन किया है, लेकिन आपने जो मेथड का अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन किया है ना, उसको प्रॉपर वो में उसको एक्सेस कंट्रोल के थ्रू उसको रेस्ट्रिक्शन दे दीजिएगा। ओके, ये पब्लिक है या प्राइवेट है या स्टैटिक है, ओके, या प्रोटेक्टेड है, ठीक है, या फ्रेंड है, ये सब आप उसको मेंशन कीजिएगा। तब जाके क्या होना, वो जब भी हेडर फाइल में आपको उसको सिर्फ उसको क्लास का नेम दिखेगा और कुछ नहीं दिख सकेगा। ओके, ये एक तरह से बेस्ट वे है उसको हाइड करने का। देन हाउ टू मिटिगेट मोबाइल सिक्योरिटी रिस्क, कैसे उसको करें, यूज सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस, इनक्रिप्ट सेंसिटिव डाटा, इंप्लीमेंट स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, जैसे हम लोग बोले थे अवॉइड हार्ड कोडिंग हमेशा हम लोग अवॉइड करते हैं। सिक्योर कोडिंग गाइडलाइंस फॉर बोथ iOS एंड एंड्रॉइड, हार्ड कोडिंग ये जो है इसको हमेशा अवॉइड करो, हार्ड कोड कहीं नहीं करो क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सिक्योर एंड सेंसिटिव डाटा इन ट्रांजिट यूजिंग SSL, जब भी आप डाटा ट्रांजिट कर रहे हो, डाटा एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन सर्वर को आप डाटा भेज रहे हो, SSL के थ्रू भेजिए, ठीक है, या फिर सिक्योर API लाइंस के थ्रू भेजिए। ओके, अनदर इम्प्लीमेंट स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन, रिक्वायर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, MFA, अगर देखो 2FA तो नॉर्मल आ रहा है, अभी MFA भी है। ओके, MFA भी ट्राई कर सकते हो आप, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा, पहले तो होता था यूजर नेम पासवर्ड, ओके, फिर उसके आ गया OTP, ठीक है, अब आ गया सीक्रेट, इन सब इन इनके साथ भी एक आपकी आता है सीक्रेट की API का, ठीक है, इनको पूरा कंबाइन करके एक प्रॉपर सिक्योर डाटा को सिक्योर चैनल क्रिएट करके आप उनको भेज सकते हैं। मोबाइल स्पेसिफिक सिक्योरिटी, एंड्रॉइड की स्टोर आता है, iOS का कीचेन आता है, और मोबाइल स्पेसिफिक क्या है, फेस ID है, फिंगरप्रिंट स्कैनिंग है, ओके, बायोमेट्रिक स्कैनिंग ऑथेंटिकेशन है। ओके, एप्लीकेशन को हमेशा रेगुलरली टेस्ट कीजिए, जब भी आप नया अपडेट्स आएगा ना उसको टेस्ट कीजिए, कहीं पर ये ब्रेक तो नहीं हो रहा, एप्लीकेशन क्रैश तो नहीं हो रहा है। ओके, क्योंकि जब भी नया अपडेट आता है उसमें कुछ ना कुछ नया फीचर्स ऐड होता है और कुछ पुराने को वो रिमूव कर देते हैं, पुराने लाइब्रेरी हो, पुराने मेथड्स ओवरराइड होता है, पुराने सिंटैक्स को समटाइम्स ओवरराइड कर देते हैं, ठीक है, हमेशा इसको टेस्ट को एप्लीकेशन को टेस्ट करो, कोड को भी टेस्ट करते रहो। ऑफसेट, इसका नाम प्रोनाउंसेशन मेरा हमेशा भूल होता है, जो भी है। ओके, इम्प्लीमेंट कोड ऑफसेशन टू मेक रिवर्स इंजीनियरिंग मोर डिफिकल्ट, जैसे मैंने बोला बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, रेगुलर अपडेट, कीप सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी कंपोनेंट्स अप टू डेट, जैसे बोला था ना एवरी ईयर iOS हो या फिर एंड्रॉयड, इनका कोई ना कोई अपडेट्स आता रहता है, वंस ए ईयर और ट्वाइस ए ईयर। ओके, आपको हमेशा इनके साथ अपडेट रहना पड़ेगा, अदरवाइज आपका क्लास ब्रेक हो सकता है, लाइब्रेरी ब्रेक हो सकता है। ओके, अल्टीमेटली अगर ये ब्रेक हुआ तो आपका कोई ना कोई मेथड ब्रेक होगा, फिर या तो एरर थ्रो करें या फिर एप्लीकेशन क्रैश होगा। एप्लीकेशन क्रैश होने से क्या होगा, आपका रेपुटेशन, रेवेन्यू, ये सब लॉस में चला जाएगा। इनपुट वैलिडेशन एंड सैनिटाइजेशन, ऑलवेज वैलिडेट योर यूजर इनपुट टू प्रिवेंट अटैक सच एज इंजेक्शन, SQL इंजेक्शंस। सिक्योर ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, जैसे हमने पहले ही बोल चुका है इसके बारे में, डाटा इंक्रिप्शन, एरर हैंडलिंग एंड सिक्योर टेस्टिंग। सो कंक्लूजन क्या है, तो कंक्लूजन ये है कि
By adhering to the OWASP mobile security guidelines and recommendations, mobile app developers can significantly reduce the risks associated with the mobile app. The OWASP mobile rate security resources provide excellent, ये इनका basic ये guidelines है. So overall मेरा conclude मेरा ये कि encryption, SSL, strong password, code quality, okay, ये सब में आपको ध्यान रखना है. ओके, और डिवाइस लेवल पे आपका ऑथेंटिकेशन जो है वो देख लीजिए, ऑथराइजेशन भी है. ओके, और आपका क्यूसीएंस में क्वालिटी चेक एंड मॉनिटरिंग भी है. ठीक है, तो ओवरऑल आपको इस चीज में ध्यान रखना है. जब भी डाटा आपको मूव ऑन करो, एक सर्वे से डाटा दूसरे सर्वे के करो, डाटा इनक्रिप्ट करके हमेशा भेजो. सेंसिटिव डाटा को आप लोकल स्टोरेज में मत रखो ओपनली. अगर रखो तो इनक्रिप्ट करके रखो. डाटा को अगर ट्रांसमिट करो तो डाटा को पहले इनक्रिप्ट करो, फिर SSL के थ्रू उसको भेजो. ठीक है, और आपका जो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन लेवल है, आपको उसको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के स्ट्रॉन्ग क्रेडेंशियल को रूल को फॉलो करो. कोड क्वालिटी, कोड का क्लास नेम क्या है, और एक्सेस जो एक्सेस कंट्रोल है, एक्सेस मॉडल है, ठीक है, उस चीज़ को फॉलो करो कि फ्रेंड है, पब्लिक है, ओके, प्राइवेट है, किस लेवल तक उसको एक्सेस दोगे उस क्लास को और किस किस को. ठीक है, क्वालिटी चेक टाइम टू टाइम करो, एरर हैंडलिंग टाइम टू टाइम चेक करो. ओके, उसका एरर लॉग भी चेक करो कि अगर कुछ हैकर्स अगर कुछ हैक भी करने की कोशिश करे तो पक्का लॉग के अंदर मॉनिटर हुआ होगा, तो आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा कि बैक एंड में आपका चल क्या रहा है. ओके, सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स जिसको आपको ध्यान में रखना है. ओके, और किस चीज़ को अवॉइड भी करना है वो भी आपने हाईलाइट कर दिया. तो होप एक आपको बेसिक आइडिया आ गया होगा. ओके, हम उसके बारे में टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे, सिक्योरिटी और डाटा ट्रांसमिशन के ऊपर, डाटा कम्युनिकेशन के ऊपर. ओके, थैंक यू दोस्तों.